Hello students, good morning or good afternoon or good evening or good nights, wherever you are watching my videos. I am back and today we will discuss about concentric cells. Welcome in Expert Brain Coaching Center and you know my name. My name is Ehsan Khan. Today I am going to discuss about concentric cells. We were reading the chapter Electric Potential and Capacitance. In this chapter, so far we have discussed about electric potential difference, electric potential due to a point charge and the numerical based on it, and we calculate electric potential due to an electric dipole. Then we read relation between electric field and electric potential. After that, in last lecture we read about electric potential due to charged sphere. These all topics are uploaded upon these channels. If any one of you wants to read these topics, do one thing: go to YouTube, search box, example electric potential due to a point charge by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, aap is channel mein bane rahiye. Today we will discuss about concentric cells. Dekhiye, ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स जो हमारा है वो बोर्ड के अंदर में बहुत कम आता है. बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेदर वी टॉक अबाउट जेईई मेंस और एडवांस और नीट एग्जामिनेशंस, दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स. क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है, तो मैं कह सकूं कि ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन कंपेरिजन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि हर टॉपिक को मैं ये बता दूंगा आप लोगों को कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है कॉन्सेंट्रिक सेल्स. अगर आपने वो नहीं पढ़ाया तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी. Yet I will try my best to recall that previous topics. मैं उसको recall करने की कोशिश करूंगा. जैसे आप ये देखो, cell के अंदर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जैसे हमारे पास कोई एक sphere है, ठीक है, cell है. अब यहाँ पे charge distributed है surface पे charge distributed है. ठीक है, अब देखो ये जो हमारा sphere का radius हमारा है वो हमारा क्या है, capital R है. ठीक है, अब हमसे बोलता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड या इनसाइड. अगर इनसाइड की बात करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड बोलूं या सरफेस पे बोलूं, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, ये होता है हमारा के क्यू अपॉन आर. मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो क्यू चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इनसाइड या सरफेस पे, इनसाइड मतलब अंदर में या सरफेस पे, अगर हमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर. ठीक है, अगर हमसे पूछता है सेंटर से आउटसाइड स्फीयर से बाहर आर डिस्टेंस पे, तो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. अगर आपको मालूम हो तो फॉर्मूला हमारा होता है के क्यू अपॉन में आर. अब देखो ये जो वैल्यू हमारी होती है, ये हमारी होती है कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे या सरफेस के अंदर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है. जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर में होता है, चाहे मैं यहां पर बात करूं, यहां बात करूं, यहां बात करूं, कहीं और पे भी बात करूं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन साइड पे या सरफेस पे, वो क्या होता है हमारा, कॉन्स्टेंट होता है. बट जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड निकालते हैं तो ये हमारा होता है वेरिएबल. ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे कि हम कितने बाहर, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इससे बाहर कर रहे हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर इज ए वेरिएबल. ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. बिकॉज सरफेस पे और इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट. ठीक है, अभी आप ये देखो, हम लोग इसके बेसिस पे आज न्यूमेरिकल करेंगे कॉन्सेंट्रिक सेल्स. एक सेंटर और मल्टीपल्स हमारे क्या होंगे, सेल्स होंगे. अब देखो मैं न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो फार्मूला का इस्तेमाल होगा. किसका किसका होगा, इफ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर और सरफेस, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन में जो हमारा स्फीयर का रेडियस होता है.
और जब हम लोगों को आउटसाइड बोलता है ठीक है, तो वो वेरिएबल होता है kq अपॉन में स्मॉल r, वो कितने डिस्टेंस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल आल्सो बी डिफरेंट। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो करने की कोशिश करो ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने बोर्ड पे, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेसेस ऑफ ए एंड बी। देखिए दो सरफेस है, एक ए सरफेस है एक हमारी बी सरफेस है। बोला क्या, आप पोटेंशियल निकालो किसके ऊपर में, ए पे भी निकालो और बी पे भी निकालो। अब ये देखो सबसे पहले अगर मैं सरफेस ए पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करूं वी ए ठीक है, हाँ बोला सरफेस ए पे, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पोटेंशियल डेवलप्ड होगा सरफेस ए पे वो किस किस वजह से होगा। देखिए एक तो होगा ए की वजह से और दूसरा होगा बी की वजह से। जानते हो रीजन क्या है, क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है, तो जो हमारा पोटेंशियल एट ए होगा सरफेस पे वो दो चीज की वजह से होगा, एक तो होगा ए की वजह से, मैं लिख दे रहा हूं वी ए पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू क्यू ए सरफेस, किसकी वजह से होगा क्यू ए सरफेस जो हमारा चार्ज रखा हुआ है, और एक तो होगा वी बी की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी उसकी वजह से होगा। क्या क्यों सर, क्योंकि ड्यू टू क्यू बी इनसाइड। अब देखो इस चार्ज के लिए ये जो सरफेस ए है वो कैसा है, इनसाइड है। हम लोग जानते हैं कि इनसाइड के इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इनसाइड भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो इस पॉइंट पे ए तो ए की वजह से होगी और ए बी की वजह से होगी ठीक है। आप इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, लगा लोगे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा के क्यू ए, के क्यू ए मतलब ए की वजह से जो चार्ज है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्या है, इसके लिए रेडियस क्या हमारा आर ए प्लस वी बी, वी बी के लिए चार्ज क्या है के क्यू बी अपॉन में हम रेडियस किसका लेंगे आर बी का। कहने का मतलब यह है कि जो सरफेस ए पे पोटेंशियल होगा वो इस सरफेस ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। रीजन क्यों, बिकॉज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फॉर्म्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर में भी होता है और सरफेस के बाहर भी होता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, सिमिलरली आप खुद से बताओ ये तो होगा किसके लिए, ए सरफेस पे, हम सब पूछा ए सरफेस बताओ और बी सरफेस बताओ, आप ये बताओ बी सरफेस पे क्या होगा सर, बी सरफेस पे जो होगा एक तो होगा बी की वजह से, बी सरफेस पे एक तो होगा क्यू बी की वजह से, एक हमारा होगा। अब देखो ए के लिए बी क्या है आउटसाइड है, ए के लिए बी क्या है हमारा आउटसाइड है, तो कहने का मतलब है वी बी के लिए भी होगा और वी बी के लिए भी होगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, अब आप देखो जो वी बी है किसकी वजह से है, ड्यू टू क्यू ए सरफेस, लिख दे रहा हूं यहां पर ड्यू टू क्यू ए सरफेस, क्यू ए सरफेस पे सॉरी क्यू ए की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बी पे, और जो वी बी पे एक और होगा वो किसकी वजह से होगा ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड, ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड ठीक है। एकदम कंसेप्ट क्लियर कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है, आप इसकी वैल्यू बड़ा कर दीजिए क्या फॉर्मूला होगा के क्यू बी, के क्यू अपॉन आर होता है, आर कौन सा लेंगे हम इस केस में बड़ा वाला लेंगे आर बी सरफेस पे ठीक है, और इसके लिए चार्ज नहीं होगा के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर बी ठीक है। इस चार्ज के लिए ये क्या है क्यू ए चार्ज के लिए ये बाहर में आउटसाइड में, और सब क्या होता है के क्यू अपॉन आर, आर कहां सेंटर से लेके जहां पे निकाल रहे हैं ये दूरी, तो मैंने ये रखा ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ए एंड बी, जब कॉन्सेंट्रिक सेल्स दिया होगा तब। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, देख लीजिए फिर से मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस पे, एक तो होगा क्यू ए की वजह से और क्यू बी के लिए हमारा जो ए पॉइंट है वो क्या है इनसाइड है, इनसाइड के फॉर्मूला लगा देंगे अगेन VB पे देखो इस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो एक क्यों होगा QA की वजह से,
ड्यू टू क्यू ए सरफेस, और दूसरा होगा ड्यू टू क्यू ए आउटसाइड। इसके लिए क्या ये आउटसाइड है, आउटसाइड के फॉर्मूला हमारा ये होता है, इनसाइड के फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, देख लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस ऑफ सेल बी एंड सी, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन बी एंड सी। देखिए हमारे पास तीन सेल है ए बी एंड सी, ठीक है, द रेडियस ऑफ ए इज आर एंड द रेडियस ऑफ बी इज 2r एंड द रेडियस ऑफ सी इज 4r, ठीक है, एंड द चार्ज इज गिवन, द चार्ज ऑफ ए इज q एंड बी इज 2q एंड द चार्ज ऑफ सी इज 4q, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट सरफेस बी एंड सी, या कभी क्वेश्चन में ए बी एंड सी तीनों आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बात ये, मेरा कहना ये है, आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा रिगार्डिंग द सेल कॉन्सेंट्रिक सेल्स। अब देखो मेरे को बोला है वीबी पे, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो वीबी पे, तो कैन यू गेस कि आप इसको बना सकते हो। मैं तो बोलूंगा पॉज करो वीडियो को, पहले दो मिनट तीन मिनट खुद से टाइम दो, उसके बाद यहां देखने की कोशिश करो। देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे होगा सरफेस पे, आप ही बताओ, सोचो दिमाग लगाओ किस किस वजह से होगा। देखो मैं लिख रहा हूं क्या, तीन बी की वजह से होगा। बस फिर से एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेल के अंदर भी होता है और बाहर में भी होता है, ठीक है। अब देखो एक पहला तो हमारा होगा ड्यू टू ए आउटसाइड। अब देखो जो ए के लिए, ए सरफेस के लिए ये पॉइंट जो है बी सरफेस क्या है आउटसाइड है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा या नहीं होगा, आउटसाइड डेवलप होगा। फिर हमारा है ड्यू टू बी, ड्यू टू बी, बी की वजह से सरफेस पे, बी के पास खुद का चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, यस और नो। अब तीसरा हमारा वीबी, वीबी का मतलब यह है किस वजह से होगा, ड्यू टू सी। अब देखो मैं यहां पर लिखने दो ड्यू टू सी इनसाइड। देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे होगा वो तो एक एक होगा, एक किसकी वजह से होगा, एक की वजह से होगा, ए के लिए बी क्या है आउटसाइड है। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाइंडिंग इनसाइड और आउटसाइड, दोनों किस में पाया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ए की वजह से क्या होगा ड्यू टू ए, ए के लिए बी क्या होगा आउटसाइड होगा, लिख दिया मैंने ड्यू टू ए आउटसाइड। फिर बी के लिए क्या है सरफेस पे, यहां पर चार्ज कितना है 2q है, ड्यू टू बी एट सरफेस। अब अगर मैं सी को देखूं तो सी के लिए बी पॉइंट क्या है इनसाइड है, तो ड्यू टू सी इनसाइड, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो ड्यू टू बी, अब बताओ ड्यू टू ए आउटसाइड, तो फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू दिया हुआ है अपॉन में आर। अब सवाल होता है कि रेडियस कौन सा लेंगे, रेडियस ये वाला नहीं लेंगे, रेडियस ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड ले रहे हैं, क्या जाएगा 2r प्लस vb ड्यू टू बी सरफेस। यहां पे चार्ज क्या होगा बोलो, यहां पे होगा चार्ज होगा k q की वैल्यू कितनी है 2q है, k 2q अपॉन में रेडियस कितना होगा सरफेस पे b 2r बन गया। अभी आप देखो जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी इनसाइड, तो हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे k चार्ज कितना दिया हुआ है 4q और हमारा डिस्टेंस कितना है 4r। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, आउटसाइड और इनसाइड वाले को और रेडियस को देखो। B पॉइंट पे एक A की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, B की वजह से होगा और C के लिए होगा। A के लिए B क्या है आउटसाइड है, C के लिए B क्या है इनसाइड है, और B के खुद के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सब में कॉमन क्या है के कॉमन है के क्यू अपॉन आर, क्या लगाइए के क्यू मतलब कॉमन है, क्या लोगे कॉमन, क्या लोगे बाहर आप दे लो के अपॉन आर, क्या अपॉन आप कॉमन लेवल ध्यान क्या बचेगा के अपॉन टू सॉरी क्यू अपॉन टू प्लस टू से टू कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू बचेगा प्लस फोर से फोर कट जाएगा, क्या बचेगा क्यू बचेगा, एक तो बचेगा बोलो आप सोल्व करो K upon R, क्या क्या होगा एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 क्यू 5 क्यू अपॉन 2,
हमारा वी बी आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी सरफेस पे कितना आएगा के अपॉन आर इंटू फाइव क्यू अपॉन टू। देख लीजिए क्लियर है ये। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी सरफेस पे। पहले ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सी पे होगा वो किस किस वजह से होगा, पहले ये ध्यान दो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी बताओ किस किस वजह से होगा, ए केस होगा या नहीं होगा, होगा ड्यू टू ए। ए के लिए क्या वो आउटसाइड है, क्या ये ए के लिए सी क्या आउटसाइड है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू, ये सब मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, बाद में लिखूंगा इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू किसकी वजह से होगा, बी। बी के लिए भी क्या है ये आउटसाइड है, बी के लिए भी सी पॉइंट कैसा है सर आउटसाइड है। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सी। तो अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट अप कर देना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा के क्यू अपॉन आर, तो मैं पहले लिख दूं चार्ज कितना हमारा है, ए पे चार्ज कितना है क्यू है, के क्यू अपॉन आर। अब देखो इसके लिए आउटसाइड है तो हमारा रेडियस क्या होगा भैया, देखो आउटसाइड के लिए डिस्टेंस आर था, मैं बोला था ये वेरिएबल है ये सब। जब मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं सी पॉइंट पे जब निकाल रहा हूं हमारा डिस्टेंस कितना होगा फोर आर होगा, के क्यू अपॉन फोर आर प्लस ड्यू टू बी। अब देखो इस बी पे चार्ज कितना है, बी पे चार्ज कितना है टू क्यू है, क्या हो जाएगा के टू क्यू। अब आप बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बताओ क्या होगा, डिस्टेंस भी फोर आर होगा, सबके लिए फोर आर ही होगा डिस्टेंस। अब चार्ज के लिए कितना है फोर क्यू है, के फोर क्यू अपॉन में फोर आर, यहां से जो कटना काट दो टू वन का टू 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 का फोर, ठीक है। अब फिर से देखो इस पूरी टीम में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा हमारा के अपॉन आर, यहां क्या बचेगा क्यू अपॉन फोर प्लस क्या बचेगा यहां पे क्यू अपॉन टू प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। वी सी निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे, तो आप एलसीएम लो कितना आएगा फोर आएगा फोर, तो यह आ जाएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर के अपॉन आर इंटू में क्यू सॉरी ये आगे एलसीएम कितना आएगा सर फोर आएगा, तो फोर एलसीएम आ गया तो फोर क्यू तो फोर टू सिक्स अपन से टोटल कितना आएगा बार कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये आ जाएगा हमारा चार, ये आएगा हमारा सेवन क्यू बाई फोर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस कितना आ गया एट सी पे के अपॉन आर इंटू सेवन क्यू बाई फोर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रिक सवाल कॉन्सेंट्रिक सेल्स के सवाल को क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू दिया जाएगा पुट अप करेंगे आंसर निकालेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि सी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए की वजह से भी है बी की वजह से भी है सी की वजह से भी है, पर हमारा चार्ज क्या लेंगे ए की वजह से तो ए का चार्ज लेंगे, बी की वजह से तो बी का चार्ज लेंगे, सी की वजह से सी का चार्ज लेंगे। आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। देख लीजिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग। जब कोई कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग देते हैं तो वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कंडक्टर का वो क्या होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। और उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग किसका अर्थिंग करेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कंडक्टिंग सेल्स का, ठीक है। नोट कर लीजिए उसको, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग क्या, अर्थिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड अर्थिंग। We can define it is a method to connect any conductor to the earth. It is a method to connect any conductor to earth and electric potential remains constant. Sorry, zero volt. देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है जीरो वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जीरो वोल्ट होता है। तो हमें सवाल पूछा जाता है कि सर इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो वोल्ट तो क्या चार्ज भी जीरो होगा। इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में वन मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चार ऑप्शन दिया होगा, इफ वी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चार ऑप्शन दिया होगा, चार ऑप्शन दिया होगा। तो वहां पर यह देखना होगा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो क्या चार्ज भी जीरो होगा, आंसर है नो। If electric potential is zero, then charges cannot be zero.
कोई जरूरी नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो हमारा चार्ज भी जीरो हो, ठीक है। पहले अर्थिंग में याद रखें डिफिनेशन जो मैंने लिखा बोर्ड पे, इट इज द मेथड टू कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेंस जीरो वोल्ट। जो कंडक्टर को अर्थ करते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो वोल्ट, एंड चार्जेस नीड्स नॉट टू बी जीरो। कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज हमारा क्या हो, जीरो। इसमें वन मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दिया होगा, वी जीरो है तो क्यू भी जीरो होगा, तो ज्यादातर बच्चे जो है इस ऑप्शन को क्लियर करके आते हैं। कौन सा वाला है वो, कि v is equal to 0 और q is equal to 0, सोचते हैं v 0 है q भी 0 होगा, नहीं, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया होगा, एक ये भी दिया होगा, q not equal to 0, आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा के आना है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज भी 0 हो, ठीक है। और जिस कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग करते हैं, अर्थ करते हैं, मतलब अर्थ के साथ कांटेक्ट में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है वो जीरो वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कॉन्सेंट्रिक सेल से, देखो वेन सेल बी इज अर्थ फाइंड चार्ज ऑन सेल बी, तो क्या बोला है, हमारे पास तीन सेल है ए बी एंड सी, तीन सेल में से बी को अर्थिंग कर दिया गया, अर्थ किया गया है, बोला है चार्ज बताओ बी पे क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, इस वाले पे बोलते हैं इस पे चार्ज क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी किस किस वजह से होगा, तो तीन बॉडी है, तीन सेल है, तीन की वजह से होगा, मैं तीन बार लिख दे रहा हूं बी, तो बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, कि सर एक तो हमारा होगा ड्यू टू ए आउटसाइड, बी जो है ए के लिए क्या है आउटसाइड है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू, डिस्टेंस हमारा क्या है 2r, के क्यू अपॉन 2r, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे है पहले किसके द्वारा होगा, ए के द्वारा होगा, तो हम लिख देंगे ड्यू टू ए आउटसाइड, फॉर्मूला क्या हो, के क्यू अपॉन 2r, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे होगा ए किसके द्वारा होगा, ड्यू टू बी, बी के द्वारा होगा किसके द्वारा, एट सरफेस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, इसके लिए मैं चार्ज ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं स्मॉल q, q अपॉन डिस्टेंस क्या होगा 2r, डिस्टेंस तो 2r ही रहेगा b के लिए सेंटर से, समझ आ रही बात यहां, ये प्लस vb। तीसरा हमारा केस है ड्यू टू c इनसाइड, c के लिए b क्या है इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है kq अपॉन r, क्या होता है kq अपॉन r, चार्ज कितना उसके पास में 2q है, ka 2q अपॉन में डिस्टेंस कितना है 4r, ठीक है। अब देखो जिस कंडक्टर को हम लोग अर्थ करते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, मैंने यहां लिखा भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो, तो मैंने कनेक्ट किसको किया है, क्वेश्चन किसको कनेक्ट किया है बी को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी का क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब कर लोगे, अब देखो पूरे में कॉमन क्या आ रहा है सर, पूरे में कॉमन हमारा आएगा के अपॉन आर, यहां से क्या बचेगा के अपॉन सॉरी क्यू अपॉन टू प्लस, यहां पे क्या बचेगा बोलो, सॉरी यहां पे यहां पे रहेगा ना के क्यू बाई आर होगा ना भैया, बी पे भी के क्यू बाई आर होगा, तो क्यू पता नहीं था मैंने क्यू ले दिया, के बाई आर बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा क्यू अपॉन टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यहां क्या बचेगा प्लस क्यू अपॉन टू, सही किया ना, देख लो एक बार, वैसे कैलकुलेशन में इसकी दिक्कत की बात नहीं। अब देखो इक्वल टू जीरो, यहां आ रहेगा जीरो, के भी आएगा जीरो हो जाएगा। अब एलसीएम लो इसका, इसका एलसीएम लो कितना आएगा, कितना एलसीएम आएगा टू, ये कितना हो जाएगा क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, टू जाके यहाँ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यस ऑर नो, जीरो। अब देखो ये हो जाएगा हमारा जीरो इज इक्वल टू टू क्यू प्लस क्यू, यस ऑर नो। अब देखो जो क्यू है वो किसी बराबर आ गया, क्यू आ गया माइनस टू क्यू के बराबर, ठीक है, यानी कि जो हमारा चार्ज होगा बी पे कितना आएगा माइनस टू क्यू। अब देखो इस क्वेश्चन में कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी क्या था, जीरो था, ये चार्ज की वैल्यू आई है, यही बात तो मैं बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो कोई जरूरी नहीं है चार्ज जीरो हो, ठीक है। जब एक नंबर में आएगा तो v इज इक्वल टू जीरो, तो जो ऑप्शन में होगा v इज इक्वल टू जीरो एंड q नॉट इक्वल टू जीरो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, जिस कंडक्टर को अर्थ किया गया है, अर्थ साथ कनेक्ट किया गया है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ले लीजिएगा, इक्वेशन बन जाएगी, अननोन वैल्यू एक होगी, एक वेरिएबल एक अननोन वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है सर, मेन मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है।
तो आपको बेसिक क्वेश्चन बनाना आ गया किसका, आपको बेसिक क्वेश्चन बनाना आ गया अर्थ का कॉन्सेंट्रिक सेल का। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको, ठीक है। कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स, देखिए कंडक्टिंग सेल्स क्या है। कंडक्टिंग सेल में पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग सेल में, जैसे हमारे पास कोई एक सेल है और चार्ज यहां पर रखा हुआ कैपिटल Q, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर में इनर सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे और बाहर वाली सरफेस पे कैसा होगा। हम लोगों ने लिया इसको थीन अस्फेरिकल सेल्स, थीन अस्फेरिकल सेल्स, ठीक है। ये मैंने लिया है थीन अस्फेरिकल सेल, ये मैं बोलूं थीन कंडक्टिंग सेल, बात देखिए थीन कंडक्टिंग सेल, ठीक है। मैंने थीन अस्फेरिकल सेल लिया है और क्या लिया, थीन कंडक्टिंग सेल, ठीक है। अब देखो इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक लाइन मैं रिमाइंड करा दूं जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। तो वहां पे ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड में नहीं है, अंदर में नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, बट जब चार्ज हम लोग सेंटर पर दे देते हैं तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो ये लाइन का मतलब है, एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, इसका मतलब ये है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो मटेरियल से मिलकर बना है, जैसे हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, जो मटेरियल से मिलकर बना है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, ना कि अंदर में होगी। अगर चार्ज अंदर में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, फिर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर में जीरो होती है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये वैलिड कब है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने थीन कंडक्टिंग सेल्स लिया है तो मैं इस सेल्स को, जैसे यहां पे जो उसकी थिकनेस है उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया है, इस फिगर में दिखा रहा हूं थिकनेस को भी। ये सेल है, इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है, ये क्या हमारी, इसको मैंने दिखाया, ये हमारी थिकनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज यहां पे दिया हुआ है क्यों, ये फिगर एक ही है, इसमें मैंने थिकनेस को नेगलेक्ट कर दिया, इसमें मैंने थिकनेस को दिखाया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसमें नहीं होगा, इस वाले पार्ट में नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को मैंने बोला मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो मटेरियल कंडक्टर का है उसमें नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड भी होगा आउटसाइड भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इनर आउटर सरफेस में क्या सरफेस होगा, कि जैसे हमारे पास कोई चार्ज प्लस क्यू है, कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस क्यू चार्ज होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसके अंदर में गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। देखो इस पॉइंट को समझिएगा अच्छे तरीके से, गॉसियन सरफेस जो मैंने ब्लू मार्कर से लाइनिंग की है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब देखो जब इस मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जब हम उसके अंदर में गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी जीरो होगी। सिंपल बात है भैया, इसमें कंडक्टिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा क्यू इनसाइड होगा, इसमें नहीं बोल रहा हूं इस वाले में, वो भी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। यस और नो, क्यू इनसाइड में हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब सवाल ये होता है कि सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब ये देखो, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, इस सब डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मटेरियल वाले में नहीं होगी, तो सर इसको हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर वाले में आउटर वाले में कैसे करेंगे। आप देखो अगर यहां पे प्लस क्यू है, यहां पर मैंने शो कर दिया माइनस, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। वो हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट ये बोलता है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड,
ये क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉयड होता है। तो अगर ये स्टेप वन था, इसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज है, बाद में भी प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए रिजल्टेंट में भी। अब ये देखो, हम लोग एक चार्ज यहां पर दे देते हैं प्लस क्यू। अब देखो इस वाले सेल में भी प्लस क्यू चार्ज था। अब देखो इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी हमारा रिजल्टेंट चार्ज कितना बच रहा है, प्लस क्यू बच रहा है। ये सुनो, इसको सिर्फ हम लोग करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इनर सरफेस में 3D फिगर में भी होता है, 2D फिगर में हम लोग पढ़ते हैं, पर इसमें ये कौन सा फिगर है, ये 3D फिगर है। तो हम लोग जो कंडक्टिंग सेल से पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर और आउटर में कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर में ही होगी, कंडक्टिंग वाले इसमें नहीं होती है। जैसे हमारा ये बना हुआ है सेल, तो इस जो मेरे ये फिंगर है, इस वाले सेल में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इसी को मैंने क्या ड्रा कर दिया है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि चार्ज इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। फिर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे कि यहां भी तो होगी सर, बाहर में तो होगी, इसमें भी बाहर में तो होगी, तो हम लोग यहां प्लस चार्ज दिखा देते हैं, यहां हम लोग माइनस, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं कंडक्टिंग सेल का, और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये खुद से पहले आप ठीक है पॉज करोगे वीडियो को, खुद से करने की कोशिश करोगे। देखो जैसे हमारे पास कोई हमारा कंडक्टिंग सेल्स है, ठीक है, ये दो एग्जांपल कीजिए। अंदर में चार्ज दिया हुआ है क्यू, और बाहर में दिया 2q, बोला है क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ड्रा कर दो क्या थीन सेल्स, ये दिखा दो, ठीक है सर। देखो सेंटर पर क्या हमारा क्यू है, अब हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड रहना चाहिए। अब क्या करो, सबसे पहले इसमें ड्रा करो गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, क्यों सर, नेगेटिव चार्ज इसलिए ताकि गॉसियन सरफेस से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नेगेटिव चार्ज इसलिए ताकि गॉसियन सरफेस से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब आप देखो ये तो कंसेप्ट सही है, अब देखो चार्ज कितना है यहां पर 2q प्लस q कितना हो गया 3q, यहां पर कितना है प्लस q माइनस q जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, बैलेंस भी हो गया। और हमारा यहां पे गॉसियन सरफेस के जो दिया हुआ है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो इसको करो, इसको कैसे करोगे, पहले इसको खुद से करने की कोशिश करो। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा इसके अंदर में, फिर से देखो यहां पे पहले ये सेल को ड्रा करो, उसके बाद बड़ी वाली सेल को ड्रा करो, ठीक है। अब तो पहले ये देखो सेंटर पर दे दो कितना क्यू चार्ज, अब देखो यहां माइनस 2q है, तो क्या करेंगे हम यहां पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, खत्म हो गया। फिर यहां मैं दे देता हूं माइनस क्यू, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू तो न्यूट्रल हो जाएगा, अब ये माइनस क्यू की वजह से इस वाले सेल में भी एक क्यू होना चाहिए, ताकि ये वाला सेल भी क्या हो जाए न्यूट्रल हो जाए। अब हमारे पास कितना चार्ज और बचा, दो और बचा 2q। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे क्यू था, सेंटर पे क्यू है, इसको न्यूट्रल करने के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो माइनस क्यू, ठीक है। अब यहां माइनस टू क्यू था, एक माइनस क्यू और बचा, यहां चला गया माइनस। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक क्यू और चाहिए, तो मैंने यहां क्यू लगा दिया प्लस। अब कितना बचा हमारे पास 2q। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है हमारा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से हो गया है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने पढ़ा कंडक्टिंग सेल्स, अर्थिंग, और हम लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सेल्स के ऊपर में न्यूमेरिकल किया। नाउ वी विल रीड इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 12th एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, मैं कहूं ये क्वेश्चन आउट है, ठीक है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेयर केयरफुली, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
देखिए हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप वर्ड पहले सुनते आ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो पूरे सरफेस पे, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस मे बी ऑफ एनी शेप, वो किसी भी शेप का हो सकता है। सिर्फ ये बात ध्यान रखना है सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जिस जगह पे पोटेंशियल पूरे सरफेस पे सेम हो दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा होता है वो पॉइंट चार्ज का होता है, तो जो पॉइंट चार्ज के द्वारा पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो बनता है हमारा स्फेरिकल, जो हम लोगों ने गॉस लॉ में जब डिराइव किया था उसका फार्मूला, सेंटर में पॉइंट चार्ज रखा था कैसा बना था उसका गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल बना था। कहने का मतलब ये है पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा बनता है कैसा बनता है, स्फेरिकल। इसका मतलब ये है सेंटर से लेके बाउंड्री तक की दूरी, सर्कमफेरेंस तक की दूरी हर जगह पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ये है कि स्फीयर के केस में अगर पॉइंट चार्ज है स्फीयर बन रहा है पूरे स्फीयर पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं लीनियर चार्ज की, तो लीनियर चार्ज का आप खुद देखो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने क्या बनाया था, कैसा फेस होना चाहिए, तो सिलेंड्रिकल बनाया था हम लोगों ने। क्यों बनाया था सर, क्योंकि लीनियर चार्ज से जहां पे तुम किसी पॉइंट इस पॉइंट पर जाओ, इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर आओ, हर पॉइंट पे सिलेंड्रिकल के केस में डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। जब डिस्टेंस सेम है तो पूरे सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब यह पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा बनता है स्फीयर, लीनियर चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा बनता है क्या, सिलेंडर बनता है। मेरे कहने और बताने का मतलब यह है कि यू शुड नॉट कीप दिस इन माइंड, आपको ये बात ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमेशा जो शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो सर्कुलर होगा, ठीक है, इट मे बी ऑफ एनी शेप। बट हम लोग कहते हैं कि मिलनी बच्चों को समझाने के लिए कि ये 3D होना चाहिए, मतलब सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, वो जो सरफेस हमारी होनी चाहिए वो 3D होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 3D आती है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है। जो मैंने लिख दिया सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का हमारा कैसा बनता है, स्फीयर बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन सकता है, देखो जैसे मैं इसका नाम दिया 1, इसका 2, इसका 3, अगर मैं 1 स्फीयर की बात करूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर आप फाइंड आउट करोगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब मैं इस पे आऊं तो यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, हर जगह पे हमारा इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो कहने मैंने यहां लिख दिया है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विथ चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, इसको भी, ठीक है। फिर जब मैंने सिलेंडर ड्रा किया, दो एग्जांपल दिया, इंडिया पॉइंट चार्ज का स्फीयर बना, दिखा मैंने सेकंड लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज क्या बना हमने सिलेंडर, क्योंकि हर जगह पर डिस्का होगा सेम, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालो, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है तो वो क्या बनेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने वही दिया कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये क्या है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब इसमें क्या होता है, एक साथ सिलेंडर बन सकते हैं, एक मैं छोटा बना देता, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, सेंटर सेम, और ये क्या होता है सिर्फ सिलेंडर चेंज में होता जाता। जैसे मैंने यहां देखा है इस पूरे स्फीयर में हमारा इस पॉइंट पर निकालो, इसमें अलग से दिखा दो, यहां पर देखो अगर ये सेंटर है, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, चार पॉइंट ले रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4। अब देखो सबका डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, रेडियस आर है। अब देखो V1 जो होगा V2 के बराबर होगा, V3 के बराबर होगा, V4 सब बराबर होगा, फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R, ठीक है। तो पूरे सरफेस पे इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये तो पहले से भी आप लोगों को पता था। अब देखो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आती है, प्रॉपर्टीज क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जिसको मैं बोला था फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब दोनों बराबर है तो बराबर 4 में से 4 माइनस किया क्या आएगा, 0 आएगा, तो ही है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। जैसे मैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे निकालूं तो v2 - v1 क्या आएगा, 0 आएगा, रीजन क्या, दोनों तो इक्वल ही है,
ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एंड टू पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल सरफेस इज जीरो, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है नो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी वर्क नहीं किया जाता है चार्ज को मूव कराने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। फिर थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बताया था। फोर्थ पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेप्ट नहीं करेगी, अगर इंटरसेप्ट करती है तो देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, अगर इंटरसेप्ट कर जाएगी कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो, व्हिच इज इंपॉसिबल। तो इस चार पॉइंट पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ये द वर्क डन, ये याद रखिए और ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रा, या फिर किसी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, थ्योरी है ना, ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज फॉर्म इन फिगर। देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर देगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बोले क्या ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो कैसा मैं ऐसे ड्रा होगा इस तरीके से, अगर तो पूछेगा ड्राई इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी फील्ड है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है, हमारा होता है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब ये देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, सारे पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा, यहां भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। अब मैं आपसे ये बात पूछ लूं, ऐसे ये पूछा नहीं जाता है कि ये तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे होगा, बोलिए यहां पे होगा। अगर मैं बोलूं ये हमारा 100 वोल्ट है, यहां 80 वोल्ट होगा और यहां हमारा 60 वोल्ट होगा। रीजन, एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए 100 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, ठीक है, ड्रा कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, मतलब डायग्राम ड्रा करने के लिए, बोलता है स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल का सरफेस स्केच कीजिए। जैसे हमारे पास एक चार्ज यहां पे माइनस की और यहां प्लस की, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सुनो, तो इसका दिखा दिया पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनसीईआरटी बुक में अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, एकदम स्केच सही तरीके से कीजिएगा, ठीक है, मैं रफली बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब जो फिर एक बार दिखा दो, ठीक है, इधर से इन करेगा जैसे आउट करेगा। अब देखो मैं एक दो बता दे रहा हूं रफली, अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस वाले का होगा ये इस तरीके से होगा, यहां पर आउट थोड़ा सा कर्व जाओगे तो कर्व होता चला जाएगा, इस वाले का कर्व हो जाएगा, इस वाले का कर्व हो जाएगा, इस वाले का कर्व हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा पॉइंट चार्ज, एक हमारा हो जाएगा ये स्फीयर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्ज बना लीजिएगा और उसको अच्छी हैंड राइटिंग में स्केच कर लीजिएगा, ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूं, इन टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने आज डिस्कस किया कॉन्सेंट्रिक सेल्स के बेसिस पे, कॉन्सेंट्रिक जब सेल्स होगी तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो बात ध्यान रखना है, आउटसाइड और इनसाइड वाला केस। फिर हम लोगों ने पढ़ा केस किसका, अर्थिंग का पढ़ा, कि जब एक कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट है तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस जगह पे जीरो होता है, बट चार्ज जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टिंग सेल्स, एक थिन सेल्स है तो उसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर सर्फेस में आउटर सर्फेस में कैसे कर देते हैं, हम लोग गॉसियन सर्फेस बनाते हैं, ध्यान रखिए जहां पर कंडक्टर होता है, जैसे मैंने दिखाया था ये फिंगर, ये वाले जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वैसे अगर सरफेस पे चार्ज है तो इनसाइड तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट अगर चार्ज इनसाइड में रखा हुआ है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये मटेरियल में, मटेरियल ऑफ कंडक्टर में जीरो होगा। इसी में हम ड्रा करेंगे गॉसियन सरफेस, इस बार ड्रा करेंगे, तो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
चार्ज भी जीरो होना चाहिए। तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा देते हैं, वहां एक बात का ध्यान रखते हैं, वी शुड फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये थ्योरी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी राइटिंग में, इसलिए मैंने बोर्ड पे इसको लिख दिया है, मैं इतना लिखता नहीं थ्योरी को, फिर भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल बनता है, कोई जरूरी नहीं हो सबका स्फेरिकल ही बने, ठीक है। तो आज के क्लास में आज यहीं पर क्लास को मैं रोकता हूँ, फिर से मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव फिजिक्स टू द वीक और मीडियम टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वीक है, बिल्कुल मेरा जो लेक्चर होता है सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, बेसिक से लेके टॉप लेवल तक, मतलब हमारा मेन मोटिव होता है एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली जाए, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड अप कराने का तरीका है, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, ताकि जो स्टूडेंट कोचिंग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इकोनॉमी, वो इन सब वीडियो का क्या कर पाए, फायदा उठा पाए, ठीक है। तब तक के लिए अपना केयर कीजिए, स्टे होम एंड कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस थोड़ा कीजिए स्टे होम और अपने घर पे ही रहिए, बट पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है भाई, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।